देखो यार, नॉर्मली जब भी मैं किसी साउथ मूवी का रिव्यू करता हूँ तो वो हमेशा पॉजिटिव रिव्यू होता है, क्या कि साउथ मूवी होती ही इतनी बढ़िया है कि दिल चाहता है कि उनके बारे में इतना बढ़िया रिव्यू करें ना कि मतलब क्या ही बात करें। नेगेटिव रिव्यू मुंह से निकलता ही नहीं है। और इतने सारे बढ़िया बढ़िया साउथ मूवीज के रिव्यू करने के बाद में कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं बहुत बड़ा चटोरा हूँ, मतलब किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। मतलब खैर छोड़ो, मैंने जस्ट अभी 100 नाम की मूवी देख के खत्म करी जो कि आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री में देखने को मिल जाएगी। हालांकि लैंग्वेज जो है वो तमिल है, लेकिन हिंदी सबटाइटल्स आपको मिल जाएंगे। और देखो, जब किसी मूवी की कहानी में दम होना तो उस मूवी के लैंग्वेज ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आप सबटाइटल्स की मदद से इस मूवी को यूट्यूब पे देख करके समझ सकते हो। इतना मुश्किल काम नहीं है। मूवी के मेन लीड के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं अथर्वा, हंसिका मोटवानी और योगी राज। अब अथर्वा और योगी राज को शायद आप नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन शक्ल से अच्छे खासे तरीके से पहचानते होंगे। योगी राज सर की बात करूं तो ये बहुत बढ़िया और बहुत बड़े कॉमेडियन है जो काफी लंबे टाइम से साउथ मूवीज के अंदर अपनी अच्छी एक्टिंग देकर के हम लोगों को खुश करते हुए आ रहे हैं। रात के अंदर अथर्वा ने भी काफी अच्छी अच्छी मूवीज में काम किया है। और अगर हंसिका मोटवानी की बात करें तो अगर आपने हिमेश रेशमिया की 13 सुरूर मूवी नहीं देखी तो आप हंसिका मोटवानी को बॉलीवुड मूवीज में नहीं जानते होंगे। लेकिन साउथ मूवीज के अंदर हंसिका मोटवानी की अच्छी खासी इमेज है, वो वहां की सिनेमा के अंदर बहुत बड़ी सुपरस्टार है। 100 मूवी की जो कहानी वो अथर्वा के कैरेक्टर के ऊपर मेनली फोकस रखती है। अब देखो, मूवी के अंदर हंसिका मोटवानी है, कोई कंगना रनावत नहीं है जो सोनू सूद को अपनी मूवी से बाहर निकाल दे। तो जो लीड कैरेक्टर है वो अथर्वा का कैरेक्टर है, हंसिका मोटवानी का नहीं है। मतलब है, लेकिन कंगना रनावत जितना नहीं है, इसके लिए बात करने में मजा नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूवी की जो मेन कहानी है वो अथर्वा के कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। अथर्वा का एक छोटा सा सपना है कि उसको बड़ा पुलिस ऑफिसर बनना है, और पुलिस ऑफिसर बनने के बाद में उसको अपने समाज के अंदर जो फैले हुए बुरे लोग हैं उन लोगों के साथ दुश्म करके उनको समाज से बाहर निकालना है। लेकिन देखो, ऊपर वाला इतनी जल्दी हर किसी की हर इच्छा पूरी नहीं करने लग जाता है। तो पुलिस ऑफिसर तो अथर्वा बन जाते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल रूम के अंदर ड्यूटी दी जाती है, जहां पे नॉर्मली होता है ना कि लोग हेल्पलाइन पे फोन करते हैं 100 पे और पुलिस से मदद मांगते हैं। तो उसी कंट्रोल रूम में अथर्वा की ड्यूटी फिक्स हो जाती है। और उसके बाद में उसके लाइफ के अंदर कैसे ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं वो देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, और किस तरीके से वो अपने सपने को पूरा कर पाएगा। और सबसे मेन बात, जब आप ये मूवी देखने के लिए बैठोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इसे क्लाइमेक्स को 2-3 बार देखने वाले हो, क्योंकि इसका जो क्लाइमेक्स है ना वो बिल्कुल हटके मतलब सब कुछ चेंज कर देता है। जो प्रेडिक्शन आप लगाते हो नॉर्मली किसी भी मूवी को देखते हुए, वो प्रेडिक्शन आपकी काम नहीं आने वाली, स्पेशली 100 मूवी के अंदर क्लाइमेक्स बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि मूवी जब स्टार्ट होती है तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरियां देखने को मिलती है, लेकिन वो सारी सारी स्टोरी कैसे जाकर के आपस में मिल जाती है वो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट करके दिखाया है। हालांकि थोड़ा सा लगेगा कि मूवी स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा स्लो जा रही है, लेकिन जब आप मूवी को कंटिन्यू देखने के लिए बैठोगे तो आप अपनी जगह से हिल नहीं पाओगे, इतनी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाली है। तभी तो मैं अपने हर रिव्यूज के अंदर बोलता हूं कि साउथ की मूवीज किल कर देती है, वहां पे आपको बॉलीवुड की जैसे क्रिंज इनटू 100 देखने को नहीं मिलता। इस मूवी के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है, ड्रामा, थ्रिलर, एक्शन, हॉरर, सस्पेंस, क्राइम, सब कुछ। और कॉमेडी भी आपको देखने को मिलने वाली इस मूवी के अंदर, मतलब कि योगीराज सर का चेहरा ही आपके चेहरे के ऊपर स्माइल लाने के लिए काफी होता है, लेकिन जब वो डायलॉग बोलना स्टार्ट करते ना तो यूं गुदगुदी सी हो जाती पूरे शरीर के अंदर, और ऐसा लगता है कि फूट फूट के आदमी हंसने शुरू कर दे। अब देखो, वैसे तो ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी, लेकिन जस्ट मैंने अभी देख के खत्म करी और अभी थोड़े टाइम पहले ही इसको यूट्यूब पे किसी ने अपलोड किया है। और इसके अलावा ये टीवी के ऊपर भी एक बार आ चुकी है, इससे ज्यादा इस मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। आपने ये मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट करके बताना, नहीं देखिए तो बहुत स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जाकर के यूट्यूब के ऊपर इस मूवी को देखो, वन ऑफ द बेस्ट मूवी है साउथ इंडस्ट्री की तरफ से। और इसके साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक मार देना, चैनल पे अगर आ गए हो कहीं से घूमते फिरते तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना ताकि जितने भी वीडियो मेरे आने वाले उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू गुड बी गुड पीस।